कुछ जी न्यूज सुभाष चंद्र हमारे चेयरमैन है उनके साथ आपको शो करते मैंने फर्स्ट टाइम देखा मे बी आई वॉज इन माई ओन न्यूज एंड बुलेटिन बट मैंने आपको टेलीविजन पे ही देखा सो देख हु इज दिस मैन मतलब सर तो हमारे इतना खड़े हैं और आप इतना हिल हिल के बोल रहे थे सर के सामने मतलब सुभाष चंद्र सामने ऐसा मतलब स्टाइल मार मार के बोल रहे हैं ना मतलब आपकी दो चार वीडियोस मैंने उसके बाद फॉलो करी देन आई गॉट टू नो दैट व्हाई यू वर यू नो दैट बॉडी लैंग्वेज दैट वाज ऑसम मतलब मैं एक्चुअली मैं आपकी फैन हो गई अरे सुनने दो तारीफ हो रही है ताली बजा के रोक रहे हो उनको यार हद है यार जस्ट वन थिंग मतलब बाकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है You don't have any stress in your life. No, problems are not very stressed. No, it doesn't feel like you look at that. You know, kuch bhi ho, aapki life mein koi problem bhi nahi hai. Problems hain. Aapne galat bola kyunki main shaadishuda hoon. So problems hain, stress nahi hai. Aaram se halke phulke tarike se nikalta rehta hai. Manage with the situation because I think bahut sari situation mein bahut sara stress apne aap aa jata hai. So how do you manage with that? Main leta hi nahi stress. Jaise koi kisi ko kuch deta hai uski marzi na wo lena le main nahi leta. Nahi mujhe nahi chahiye. मैं जब आज यहाँ आ रही थी मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं आपसे ये सवाल करूँगी वो सवाल करूँ क्योंकि आपके वीडियोस में सब कुछ कवर हो ही जाता है जो भी जानना मुझे बस आपने जो आपका जो लाइफ चेंजिंग वीडियो था उसमें आपने एंड में कहा था ना कभी अगर मुझे कुछ देना हो तो आप किसी गरीब को खिला देना यू नो दैट सेंटेंस टच्ड माई हार्ट तो उस दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे एक दिन इस इंसान से मिलना है और इसको कुछ खिलाना है मैं हाजिर हूँ खिला दीजिए हे प्रभु आप साक्षात इनके रूप में आ गए हैं कहाँ हैं हाय सर लास्ट 8.5 months पहले जो हुआ मेरे साथ लाइक दैट हैज कम्प्लीटली शैटर्ड माई लाइफ लाइक एनीथिंग दैट वॉज द डिमाइज ऑफ माई बिलवड वाइफ एक्चुअली सो शी डाइड ऑफ the brain stroke the medical term brain aneurysm kehte hai usko so after giving the birth to the baby girl she died like 10 din ki thi jab meri beti to she passed away to uske baad 2-3 mahine tak bahut zyada bura hal tha because it was a love marriage so bonding bahut zyada strong thi every time I used to cry and all waisa hota hai jaise to that was the scenario kisi ne bola sandeep maheshwari ji ka video aap dekho shayad kuch help mile सो आई स्टार्टेड वॉचिंग योर वीडियोज़ आपके एक वीडियोज़ में था कि खुश रहना सीखो आप खुश नहीं हो तो आप दूसरों में खुशी कभी नहीं बांट सकते हो लाइकवाइज कि अगर आप अपना केयर नहीं कर सकते हो तो आप क्या खाक किसी का केयर करोगे सो इट्स लाइक कि मैं खुश रहने लग गया और ये लाइफ में मेरे चेंज आया बहुत बड़ा चेंज आया ये लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ मैंने आपके देखे तो जब अकेले में आपको ऐसे याद आती है वो सब होता है जो भी पुराने जो मोमेंट्स थे और वो उस वक्त क्या करते हो फिर तो मुझे आपकी वो वीडियो याद आती है कि कोई भी पास्ट आपका इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है या कोई पास्ट आपके प्रेजेंट में आके उसको हार्म नहीं कर सकता है तो बहुत हद तक निकल चुका हूँ बट सर मैं चाहते नहीं चाहते हुए आपसे एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ पूछिए सर ऐसा क्या चीज़ किया जाए जो परमानेंट ओवरकम कर जाऊँ दिस वॉज अ लव मैरिज राइट इसका मतलब आपने प्यार को एक्सपीरियंस किया कितने लोग हैं इस दुनिया में जो प्यार को जेन्युइनली डीपली एक्सपीरियंस कर पाते हैं इसको इस तरीके से मत देखो कि ये क्यों हुआ इसको इस तरीके से देखो कि ये हुआ आई एक्सपीरियंस्ड व्हाट लव इज इससे बड़ी और क्या चीज है क्योंकि वो भूख तो कभी खत्म होती ही नहीं है कि और थोड़ा सा हो जाता और थोड़ा सा कभी ना कभी तो होना ही है सबके साथ में होना है अलग तो होना ही है तो ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने ज्यादा टाइम स्पेंड किया इंपॉर्टेंट यह है कि क्या वो क्वालिटी टाइम था इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनकी शादी हो गई है साथ में रह रहे हैं लेकिन खुश नहीं है आप जब तक साथ में रहे खुश रहे इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है सो यू आर वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट मेरे दिली ख्वाहिश तमन्ना थी कि जब मैं आपके साथ 1-to-1 हूं लाइव हूं कभी तो मैं ये क्वेश्चन खुद सामने से पूछूं और उसका आंसर आपने बहुत अच्छे से मुझे दिया सो रियली थैंक आई एम रियली थैंकफुल टू यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट थैंक यू सो मच थैंक यू